रही हो? किधर जा रही हो? भीख नहीं मांगते? लाने तो भेजता हूँ भीख मांगने वाले। दिन में कितने आ जाते हैं आपके पास भिखारी? भिखारी आने तकरीबन 50-60। जब आप नहीं देते तब उनका क्या रवैया होता है? वो बस क्या बतवाएं देते हैं और क्या करते हैं। जब देव मर गया एक्सीडेंट हो गया। कभी 200 का काम हो गया, कभी 300 हो गया, कभी 3 दिन छुट्टी भी हो गया, बस गुजारा चला ना देने वाले। बेगम भी दीवाना कहते बस उसको मैं दीवाने बोलता हूँ, मुझे दीवाना कहते। अच्छा वाह जी। अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उज़ैर जंगवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर रोज़ की। नाज़रीन, हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के तहत करोड़ों लोगों की कफालत का प्रोग्राम शुरू किया है। ज़कात कमेटियाँ हैं, खैरात कमेटियाँ हैं, महल्लों में कमेटियाँ हैं, साहिब सरवत लोग ज़कात खैरात देते हैं। ये सारा कुछ लोगों की उन लोगों के लिए है जो गरीब लोग हैं, जो माली मदद के मुस्तहिक हैं। बैतुल माल भी इसीलिए हैं। लेकिन ये कौन सी गुरबत है जो करोड़ हा और अरब हा रुपया खर्च करने के बावजूद, पूरी कौम के मुखय्यर हजरात की तरफ से खैरात मुसलसल किए जाने के बावजूद ये गुरबत ख़त्म होने में नहीं आ रही? ये कौन सा ढोंग है? ये कौन सा फ्रॉड है? ये कौन सा धंधा? मारे गए सफ़ेद पोश और मुतवसत लोग, जिनके लिए मसाइल भी हैं, जो मांग भी नहीं सकते और जो मार्केट और मेहनत मजदूरी कर रहे हैं अपनी, वो इस लॉकडाउन के दिनों में भी वो अपनी मेहनत मजदूरी मुख्तलिफ तरीक़ों से करने की कोशिश जारी रखते हैं और अभी भी जारी रखे हुए हैं। लेकिन ये जो भिखारी हैं, ये जो ख्वातीन हैं भिखारने, जो नौजवान लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, और ये जो नया एक फ्रॉड शुरू हुआ है चौकों चौराहों में, ये मजदूरी के आलात रख के सामने को गैंतरी और कोई और चीज़ लोगों से पैसे बटोर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये क्या सिलसिलाकार है, इतने पैसे, इतनी खैरात, अरबों खरबों रुपया खर्च होने के बावजूद ना हमारे यहाँ से गुरबत ख़त्म हो रही है, ना वो अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं, बल्कि हर रोज़ जो ये भीख मांगने वाले हैं ये कुछ 2-4 हज़ार रुपया कमा के ही घरों को जाते हैं, और इनमें जनखे भी शामिल हैं, शीमेल और बाकी लोग जो है जो सफ़ेद पोश हैं वो बेचारे मसाइल का शिकार हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या सरकार या लोग जो इनको पैसे देते हैं सवाब कमाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, क्या उनका वाकई उनको सवाब मिलता है अगर वो सही जगह पैसे नहीं खर्च कर रहे? अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने अजीज़ो अकारिब में लोग क्यों नहीं मुस्तहिक लोगों को देखते और बाहर क्यों पैसे देते? ये ज़रा देखने के लिए आज हम मार्केट में आए और इन मार्केटों में चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये धंधा क्या है और ये कौन फ्रॉडिये हैं। आइए चलते हैं। क्या कर रहे हो आप? मैं फिलहाल तो सबसे पहले शेर से इब्तदा करूंगा। इब्तदा शेर से ना करें, ये बताएं यहाँ कर क्या रहे हैं? मैं यहाँ मजदूरी करिए फिर रहा हूँ अभी तो फिलहाल। कौन सी मजदूरी? मैं मिस्त्री कौन सी करता हूँ, मिस्त्री वाला करता हूँ, अभी छुट्टी किया है, ये सर्फ लेके कपड़े धो रहा हूँ। भीख नहीं मांगते? लानत भेजता हूँ भीख मांगने वाले। ये देख क्यों मांग रहे हैं? मैं तो ये सरफ लेकर अभी कपड़े दूंगा। और कितनी उम्र है? मेरी उम्र इस वक्त है 57 इयर्स। भीख क्यों नहीं मांगते? अल्लाह दे देता, जो मुकद्दर में मिल जाता भीख में क्या फायदा। ये जो लोग यहाँ पे मांगते फिरते हैं, हाँ, काम क्यों नहीं करते? ये इट इज ओन मैटर, ये उनका मसला, मेरा नहीं, आई डोंट नो। लेकिन आप बता तो सकते हो ना? बट बता तो सकते हो? मैं क्या बताऊँ, जब आप मेहनत कर रहे हो जी, तो वो क्यों नहीं कर सकते? उनको की मर्जी है, मैं उन्हें क्या कहूँ। कितनी दिहाड़ी बनती है आपकी? मैं तो 1500 रुपए दिहाड़ी लेता हूँ। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। भीख मांगते और क्या करें? क्यों? इमरान खान ने मैसेज किया, मैसेज भी नहीं बोलते, भी नहीं मिलेंगे पैसे, वो भी नहीं दे रहे। कौन नहीं दे रहे? इमरान खान। कैसे उसको मैसेज किया है? कैसे मैसेज किया? वो पता नहीं 88-70 उस पर किया। आपने किया था? नहीं मैंने किया थी, मैंने ये हम नहीं बोला। अच्छा,
वो भी नहीं मिले, तो किराए बिल किधर से दे रहे हम, कहाँ से दे? कितने बच्चे? माशाल्लाह सात हैं। सात बच्चे हैं तो मियाँ क्या करते हैं? मजदूरी करता है, कारोबार बंद हो रहे हैं ना। कितने पैसे बना लेती है रोज? किधर 300-200 वैसे यही बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते। मियाँ क्या करते? मजदूरी करता अभी। कहाँ? इधर इस्लामाबाद में। कहाँ रिहाइश है? टेस्टन से हैं? क्वार्टर स्टाफ है ना। अच्छा ये तो अब लॉकडाउन हुआ ना, आप तो इससे पहले से मांग रही हो? नहीं, उससे पहले नहीं मांगते हम। लोग तो कहते हैं कि उससे पहले से बाकायदगी से मांग। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले नहीं मांगते हम। हमको बच्चे क्या करते हैं? बच्चे छोटे छोटे हैं ना। छोटे छोटे कितने हैं? इतने इतने, इससे छोटे हैं बाकी सारे? नहीं, इससे थोड़े थोड़े बड़े हैं, जिस तरह ये रहे। एक बच्चा इस तरह का होगा ना, सात बच्चे हैं, बेटियां जवान हैं दो। हाँ तो ये बताओ ना, ना बेटियां जवान। वो क्या करती हैं? वो कुरान पाक पढ़ती हैं बेलियां घर में। आपने बताया कि इस खातून ने उस पर मैसेज किया, 81 पे मैसेज किया, उस मर्द ने आपके साथ जो बातें कर रहा था उसका सवाल जवाब नहीं आया है। वो कौन है जी? वो क्या करता है? वो अभी आपके साथ बातें जो की, वो गिलकार है, काम नहीं है उसका। काम करता है जी? भीख नहीं मांगता? भीख अभी भीख मांग रहा है वो जी, अभी मांग रहा है। वो तो कह रहा था कि भीख मांगने वाले पे लानत भेजता हूँ। काम नहीं है अभी उसका, गिलकारी का काम नहीं है ना, तो उस वजह से भीख मांगता है अभी। नहीं, अभी वो कह रहा था कि भीख मांगने वाले पे लानत भेजता, अभी मांग रहा है। मांग रहा है, अभी मांग रहा है। अच्छा एक बात बताऊँ जी, ये आपने ये दुकान बनाई है जी, रोजाना आप कितने बजे और कितने घंटे काम करते हो? सुबह 5 बजे घर से निकलता हूँ, 8 बजे वापस जाता हूँ। रात को 8 बजे जी? कितने घंटे हो गए ये? ये तकरीबन 13 घंटे। 5 बजे से 8 बजे का मतलब ये है कि ये हो गए 15 घंटे। इसमें नमाज भी पढ़ता हूँ ना। ठीक हो गया। ये जितने लोग हैं ये मांगने वाले जी, भीख मांगने वाले, ये आप लोगों से ज़्यादा पैसे नहीं कमाते? सारा कमाते हैं ना, ज़्यादा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन इनकी आदत है, इस तरह इनकी आदत बनी हुई है। इनको लोग देते क्यों हैं? सर जी बस बहुत से लोग आते हैं गाड़ियों वाले, उनको पता तो नहीं है ना कि ये गरीब है मालदार है, बस ये तो इनका पेशा है, देते हैं इनको। ये जितने ये फ्रॉडी हैं बिल्कुल ये अच्छा, आप लोग क्यों नहीं मांगते जी? चलो ये बताओ, हमारी आदत नहीं है, हम कमा कर खाते हैं। कमा कर खाते हो ना, कमा कर खाते, सफेद पोशी है कमा आपने उस पे, वो जो क्या है वो 8171 क्या नंबर है उसका, कैसी कतर पे उस पे आपने मैसेज किया? आपने? मैंने नहीं किया। मैंने करना पसंद करोगे? नहीं, मैं कमा कर खाता हूँ। इसका मतलब है जो आप जैसे सफ़ेद पोश हैं वो चाहे मसाइल में भी हों तो वो भीख नहीं मांगते? नहीं जी। और ये जो फ्रॉडिये हैं इनको लोग जो है वो पैसे भी दे रहे हैं जी, और हुकूमत भी दे रही है, लोग भी दे रहे हैं ज़कात खैरात, और इस मुल्क से गुर्बत ही नहीं ख़त्म हो रही है। कौन फ्रॉडिये हैं ये? बस इधर से जाकर जुआ खेलते हैं है? जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, फिर ये इनके पास जमा नहीं होती है। और ये जो चौकों चौराहों में बैठे हुए हैं लोग रख के, वो कोई दरांती रख के बैठा हुआ है तो कोई ये रख के बैठा हुआ है, उनका भी काम नहीं है? नहीं, उनको पता भी है कि आजकल काम नहीं है, वो नहीं मांगते हैं, सिर्फ बैठे कोई आकर दे जाए ठीक है, नहीं दे तो बैठे रहते हैं बस। अच्छा ये आपने खूब बात बताई, ये दिन में कितने आ जाते हैं आपके पास भिखारी? भिखारी आने तकरीबन 50-60। देते हो आप कुछ? बस अल्लाह मालिक है, थोड़ा थोड़ा देने के बाद मुँह मीठा हो जाए नहीं। और वो पुलिस वाले इनको नहीं पकड़ते? पुलिस वाले मारते हैं, भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। ये आदि हैं फिर? ये आदि है सर जी, इनका गुर्बत से कोई ताल्लुक नहीं। अभी असर के वक्त देखो तकरीबन 15-20-25 औरतें आ जाती है इधर असर के टाइम पर। हाँ वो हमने भी देखा कई दफ़ा, वो जवान औरतें बिल्कुल आ जाते हैं रात में 8-9 बजे, फिर वापस जाते हैं। उनके मर्द कहाँ होते हैं? वो घर बैठे होते हैं, तैयार खाते हैं ना। शर्म नहीं आती उनको? नहीं, उनका शर्म से क्या काम है, उनका शहरों से कोई ताल्लुक नहीं बिल्कुल। मंडी मोड़ को जो बैठे होंगे अपने घर के बाहर चारपाइयों डाल के बैठे होंगे। और इनके 8-8, 9-9 बच्चे जिससे भी पूछ लें? बिल्कुल है ना, और भीख मांग रहे हैं ये लोग? भीख मांग रहे हैं, इन्हों का पेशा जी। और वो कहते हैं कि जी इमरान खान दे हमें? बस वो इमरान खान बदनाम होया, उन्होंने साढ़े मफाद से लॉकडाउन किया कि बीमार ना हो, घर बैठो, लेकिन इन लोगों ने पेशा बना लेता, बदनाम कर रहे उसने। दो 2014 में मियाँ साहब को दरखास्त दिया था पानी के लिए,
वो मंजूर किया था, फिर दूसरा साहब आ गया, ये भी मंजूर किया था। उधर मोदी का भाई है पिशावर साइड पर, वो हमारा काम नहीं कर रहा है। किसका भाई? थोड़ी मानिए जमीन के लिए पानी। जगह कौन सी है? चित्राल का लगा सर। चित्राल की? जी सर। वो जगह सर्वे करके फिर छोड़ दिया, 40,000 रुपये मेरे से लेकर। ठीक है, क्या नाम है? वारस। वारस साहब, क्या कर रहे हो? काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी तो नहीं है आज? मजदूरी नहीं है, फिर क्या करते हैं? कहाँ के रहने वाले? मुमान एजेंसी। सारे लोग अपने अपने इलाकों को वापस गए, आप क्यों नहीं गए? हमारा पास पैसा नहीं है, मजबूरी है। क्या नहीं है? मजबूरी है, पैसा नहीं है। यहाँ मुफ्त में काम करते थे? लोगों का काम मुफ्त करते थे या पैसे कमाते थे? पैसों से करते हैं, काम नहीं है। कितनी दिहाड़ी लेते थे? 800,000। तो 800,000 रुपये में आपके पास किराए के भी पैसे नहीं थे वापस जाने जो कि? हाँ, सही बात यार, ये तो कोई ठीक कहानी नहीं है, बनी नहीं। कैसे गुजारा कैसे करते हो? बस क्या करते, गुजारा करेगा ना 1,000 रुपये। कैसे? अरे कैसे पकड़ेगा, बस इसी बात। कैसे गुजारा? बस गुजारा नहीं चले, क्या करेगा यार। क्या अगर मजदूरी नहीं करते तो फिर घर में कोई कुछ चीज नहीं है भाई जान। तो आप वापस अपने इलाकों में क्यों नहीं गए? सारे तो अपने अपने इलाकों में गए। ठीक है यार, जाएगा कोई, इधर काम वाम नहीं मिलते, उधर ही क्या करेगा? उधर नहीं मिलता काम तो यहाँ कौन सा मिल रहा है? बस यार कुछ मिलते देड़ में। ये जो लोग आते जाते पैसे दे देते हैं, वो ले लेते हो? नहीं, वो अगर देते तो दे देगा, तो नहीं दे देगा तो क्या करेगा? बेशतर लोग ऐसे ही है कि जो ये भी मांगने का एक नया स्टाइल है कि नहीं वो दे करो, ये मांगने का स्टाइल है। इसीलिए लोग वहाँ पे बैठे हुए होते हैं चौकों में चौराहों में कि कोई आके दे जाए तो वो ले लेते हैं। इनकार मैंने करते हुए किसी को भी नहीं देखा अभी तक। बस इनकार नहीं करते, फिर देर में मिलते सब मजदूर गरीब करेगा। एक मजदूर है, गरीब बंदा है, जब उसको कोई बंदा कोई चीज़ देगा तो वो कैसे इनकार करेगा? जब उसके खाने के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा उसको। क्या करते हो आप? क्या करते हो सर? मैं मजदूरी करता हूँ, टैक्सी चलाता। आप भी मांगते हो? नहीं, क्यों नहीं मांगते? मैं यही तो बात। सर मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है ना। चल रहा है ना? जी जी चल रहा है। यही आपका घर कौन सा है, कहाँ है? ये मेहराबादी में है। मेहराबादी में है ना? मैं यही कह रहा हूँ, ये आप उनकी हमदर्दी में आए ना, आप तो रोज रोड पे हो, हर तरह के हर रंग का आप आदमी देखते हो, बंदा देखते हो, और आपकी आँख बहुत पहचानती है, ड्राइवरों की आँख और पुलिस वालों की आंख में खास एक नगीना फिट होता है। ये बताओ ना कि जो कहीं किसी भी इलाके गए, लोग तो अपने अपने इलाकों में चले गए, ऐसे ही है ना? जी 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 चले गए। तो जो लोग नहीं गए उनका यहाँ पे अच्छा लगा हुआ, दुबई लगा हुआ कि जी अच्छा जी गुजरते हैं, बड़ी गाड़ी वाला रोक के उनको पैसे दे देता है। वो चले जाते हैं, अगर यहाँ कुछ ना मिलता तो वो भी चले जाते, उनको मिल रहा है, वो इसलिए इधर रुके हुए हैं। और मिल भी मुफ्त का रहा है। मुफ्त का तो सर अल्लाह तरस लोग हैं, वो आते हैं दे देते हैं, सवाब के लिए देते हैं। ये तो अपने अपने महलों में देना, यहाँ गुर्बत ही नहीं खत्म हो रही। आप जैसे जो सफेद पोश है ना, जी जी, असल में मुसीबत उनके लिए बेचारों के लिए। उसमें तेल डलवाते हो? जी जी। गाड़ी ठीक कराते हो? जी कराते हैं। मजदूरी सारा दिन करते हो? जी जी। फ्री पैसे मिलते हैं ना? जी जी। तो इनका तो मुफ्त में लगा हुआ, आप जैसे मांग भी नहीं सकते किसी से। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी यही वाली बात है, ये चीज है। यह तुहाड़े गुनाहों की शामत है जी अल्लाह ने दी हुई है तुहानू। अल्लाह तो माफ़ी मंगो और रात दिन नफल पढ़ो, नमाज़ा पढ़ो, दुआवा करो। यह किसी हुकूमत का काम नहीं, पूरी दुनिया बैठ गई है। अच्छा, हम तो मांगे दुआएं, हम तो चुके गुनाहगार हैं। आप फरिश्ते? असी मांग रहे हैं, असी तो मांग रहे हैं। मैं मशवरा दे रहा हूँ, मैं आपको भी मशवरा दे रहा हूँ कि आप भी मेरे हमारे भाई हैं ना, क्या है कि आप नहीं माफ़ी मांगोगे? आपके गुनाहों की शामत है, हमारे गुनाहों की शामत है। ये अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह इस बीमारी से जान। क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ। कौन सी मजदूरी? यही ठीक है, यही जो लेबर वाली। कौन सी? ये मिस्त्री मजदूर है। मिस्त्री मजदूर में भी 100 किस्में? वो तो 100 किस्में मैं रंग करता हूँ, और दसो। हाँ ये बात। हाँ मैं रंग करता, 1,000-1,500 दिहाड़ी कमाई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि असी रब से शुक्र करते हैं कि जो सानू इस तो बचा ले। आपने कभी भीख क्यों नहीं मांगी? क्यों मांगे? अल्लाह ने हाथ दिते या पैर दिते या मेहनत कर दी। कितनी उम्र है माशाल्लाह? 60 साल हो गए। आपकी 60 साल उम्र? हाँ, है। और हाँ, आपने कभी किसी से भीख नहीं मांगी? नहीं मांगी, अल्लाह का फजल है ना, देने वाले हैं। नहीं अल्लाह ताला देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। हम भी इसीलिए देख रहे हैं कि जो सफेद पोश है, जो मेहनत मजदूरी कर, जो अपने में से भी बचा के लोगों को देते हैं,
लोगों को उसमें शरीक करते हैं। हाँ हाँ। वो सफेद पोश बेचारे मुश्किल में हैं। हाँ। और ये जो फरडिये हैं ये दिहाड़ियां लगाते हैं और 1500-1500 2000-3000 रुपया कमा के चले जाते हैं। हाँ हाँ। और आप जैसे जो सफेद पोश हाँ, लोग हैं हाँ, उनको कोई पूछता तक नहीं। वो अल्लाह के फजल से मांगना भी सफेद पोश मांगेगा नहीं, वो अपनी जिंदगी में अपने असूल पे रहेगा। जो गरीब आदमी होता है वो मजबूरी में खड़ा है। ये गरीब आदमी नहीं है, क्योंकि यही एक टर्म का प्रॉब्लम है ना, कि जो आप जैसे लोग हैं 60 साल के होने के बावजूद आप लोगों को देने की बात, अल्लाह का शुक्र है देते भी और दे के भी आए हैं। ये 25-25-30-30 साल इनकी उम्र हैं और ये नशे ही हैं, जगह जगह मांग रहे हैं इनसे, हर रोज ये काम करते हैं। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये जो इनका हक बनता है मेहनत करें मजदूरी करें, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। आप सब लोग अल्लाह से माफ़ी मांगे हम सब, और इनको हदायत दे के ये काम करें। बिल्कुल। और ये जिसके पास काम नहीं है देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, सही। उसमें 800-1000 रुपया दिहाड़ी मिलती है रंग वाले को। चले अभी मैं 100 बंदा लगवा देता हूँ। ये वाली बात हाँ। वहाँ कोई भी नहीं जाएगा। वहाँ जाएगा कोई? मुफ्त में मांगने वाली बात वो इनकी है, मेरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो मजदूरी करता है 800 लेके जाएगा, कितना बनेगा? वहाँ क्यों नहीं जाएंगे जी? वो उधर मौत पड़ती है उनको काम करते हुए। जितने मांग रहे होते हैं अगर इनको कहें कि आओ चलो काम करो, मजदूर है ना वो इधर से कूच कर गया है, जो ईमानदार मजदूर है, बाकी जो इधर बैठे हैं ना वो बस फ्रॉडिया ऐसे ही बेलचा उठाया हुआ है। कहते हैं कि जो हमारे पास खुद मुलाजिम लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं ना हमारे लिए, हम तो मांग के गुजारा करते हैं, बकाया जो उनसे है ना हमारे घर में खुद मतलब लगे हुए। ये मोहल्ले में चले जाओ 20-20 लोग मांगने वाले, एक बैल देता है दूसरा देता है तीसरा, 5 लेके जाते हैं, 150 देना पड़ता है एक आदमी को। जब आप नहीं देते तब उनका क्या रवैया होता है? वो बस क्या बदवाएं देते हैं और क्या करते हैं, भले ही देते रहते हैं। अच्छा ये जो लोग इनको देते हैं चौराहों में, अगर वो सिर्फ अपने अजीज अकारब मोहल्लेदारों को सिर्फ दें, सारे के सारे मैं आप और हम सब इधर तो हमने देखा है कुर्बानी का गोज भी इधर रोड पे पड़ा होता है, मोहल्लेदार को पूछते ही नहीं है। तो ये आगे जो है ना उनको नेकी बाहर की जा रही है जी। ये इसकी बजाय अपने मोहल्ले में अपने रिश्तेदार, छोटी सी बात बता दूं, ये पैगाम है दुनिया को, जो पड़ोस में है ना उसको देने में भी अगर बेइज्जती महसूस करता कि मैं इससे पूछूं कि आपको जरूरत है, वो के बेइज्जती महसूस करेगा कि वो मेरे गल ना पड़ जाए। जो पूछे बगैर भी तो आप नहीं लेते। उसका मैं आपको जवाब देता हूँ, वो उसका ये है कि जो जामे मस्जिद होती है वहाँ लोग नमाज पढ़ने आते हैं, और वो जब देखते हैं कि जी क्या नाम कोई कमज़ोर है या जो नहीं आ रहा मस्जिद में तो वो पूछ लेते हैं, क्योंकि जब तक के आप पूछना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सफ़ेद पोश हैं असल मुस्तहिक वो हैं। सफ़ेद पोश, एक मिनट, सफ़ेद पोश वो लोग हैं, मिसाल के तौर पे वो मोची बैठा है उसकी हेल्प करें, रेड़ी वाला बैठा है उसकी हेल्प करें। ये काम अगर करें मोहल्ले का ख्याल रखें, अगर ये काम करें ना तो ये बीमारियां ना आए, इन मुसलमानों को कलमा भी जलजला आके याद कराता है, ठीक है ना? दुनिया में पता बस क्या है? को रोते हैं और जिंदे को मारते हैं, ये सीधी बात है। क्या बात है? मस्जिद को थाना समझते हैं, ठीक है ना? इनके ये शुक्र करें कि ये एक दूसरे से फैलता है, जो हमारे अमल है ना सीधा हमारे गले पड़ना चाहिए। टैक्सी आपकी जी? कितनी उम्र है? उम्र 45 साल हो गई। नाम क्या? गौर अमान। गौर साहब, हाँ जी। अच्छा ये वाली बात बताओ कि एक दिन में कितना कमा लेते हो? एक दिन में आजकल तो खैर कुछ नहीं, वैसे रोटी आजकल तक बिल्कुल नहीं है। अंदाजन कोई? अंदाजन 500-1000 है। ये 500-1000 बच जाता है? नहीं नहीं, सेल हो जाती है जी। 500 खर्चा करते हैं पेट्रोल को और 500 बच जाता है। अच्छा ये आप क्यों नहीं भीख मांगते, ये जो मार्केटों में मांग रहे हैं, चौकों चौराहों में मांग रहे हैं उनकी तरह? हम क्यों मांगे? हम तो ये अपने अकल हाल के रिज़्क खड़े हैं, अल्लाह पाक देंगे, अल्लाह से मांगे ना, बंदों से क्या मांग रहे हैं, किसी से क्या मांग रहे हैं? ये अल्लाह पाक ने हमने हाथ पैर दिए हैं, ठिया दिया है, आश्रे पे खड़े हैं, अल्लाह पाक देर करे। सर आपने अपनी बेगम बच्चों को क्यों नहीं भीख मांगने के लिए भिजवाया हुआ? क्योंकि ये मार्केट में तो ये धंधा चल रहा है, वो एक एक फैमिली में 8-8-9-9 लोग हैं और वो सारे ये काम कर रहे हैं, और बंदे अलबत्ता बैठ के जुआ खेलते हैं उनके। सर
मसीह अपना अपने मासी वो तो 15-20 लोग हैं, उनके बच्चे, उनकी बच्चियां, उनकी बीवियां, वो मांगती हैं। उनका काम ये, उनका पेशा ये है ना, हम तो मजदूरी करते हैं ना, हमारा बिजनेस ही है, उनका बिजनेस ये है। वो कभी पहले चौकों में होते थे, दुकानों के सामने होते थे, अभी वो दुकानें बंद हो गई हैं, अभी वो चौक में या गली कोने में खड़े हो गए हैं। ये चीज़ है कि उनको लोग क्यों देते हैं पैसे, सर जो लोग उनको पैसे देते हैं, लोग तो सर ये समझते हैं कि ये दिहाड़ीदार मजदूर हैं, अभी लॉकडाउन है, काम नहीं है, तो इनको चलो हम कोई इमदाद दे देते हैं। ये तो आम लॉकडाउन, अब तो ये आए ना, जो जो जिस जिस का प्रॉब्लम था वो तो अपने अपने गाँव को ग्राम सर उसकी एक वजह, अगर आप लोग हफ्ता 10 दिन नहीं देंगे तो ये भी चले जाएंगे, जब आप देते रहेंगे तो ये नहीं जाएंगे। अच्छा, इनको इनको ये गाड़ियों वाले देते क्यों हैं पैसे सर? वो तो समझते हैं, गरीब मजदूर समझ के देते हैं ना, उनको इस चीज का तो नहीं पता कि इनका तो ये काम है, ये डेली करते हैं। आप क्या करते हो? मैं तो सर टैक्सी चलाता हूँ। अच्छा, आपकी टैक्सी है। अच्छा, आपके बने ग्राहक से तय पाया कि जी 100 रुपए? जी जी। 100 से ज्यादा देता वो आपको? नहीं, 100 ही देता, 100 ही देता, बल्कि हमारे साथ वो बार्गेनिंग करता है, अगर हमारा 100 बनता हो तो हमें 80 देता है, नहीं यार 20 काम कर लो, ये करो वो करो। और वो वाले पैसे वो वहाँ दे के चौक चौराहे में समझता है कि उसको सवाब मिल जाएगा। सर उसकी तो यही नीयत होती है, ये चीज़ है। ठीक हो गया, ये अब मुझे समझ आई कि ये इन लोगों का धंधा कैसे चलता है, यानी जो मजदूर मजदूरी कर रहा है, जो मेहनत आदमी मेहनत कर रहा है, जो सफ़ेद पोश अपनी मुलाजमत या काम कर रहा है, जी जी, उसके पैसे जो है वो तोड़ के जी जी जी, तो ये इन लोगों को दे के वो बंदे हम ये समझते हैं कि जी हम जन्नत कमा रहे हैं। बस सर ये उनका यही नज़रिया होगा, लेकिन देखिए मजदूर तो वो देखे सामने काम पे, कंस्ट्रक्शन का काम खुल गया, अभी सारे लोग काम कर रहे हैं अपने, वो तो ये तो यहाँ पे मांग रहे हैं। ये सर शाम को रात को जाते हैं 10-11 बजे टैक्सी पे जाते हैं और करल चौक से इधर आते हैं, इतनी दूर से उड़ता, ये जो इधर मांगने वाले बैठे हुए हैं बेकारी। शाबाश, वाह, फिर तो इस तो आना चाहिए सर। कहाँ से ताल्लुक? शबाबी। शबाबी जी सर। शबाबी क्यों नहीं गए? बस गया था, फिर जो है ना काम शाम नहीं है, क्या करे सर, फिर आया गाड़ी। वहाँ तो घर भी अपना होगा ना? जी। तो घर छोड़ के इधर क्या लेने आए हो? बस बच्चों का पेट पालने, और क्या करेगा सर, जब इधर काम ही नहीं था तो फिर क्यों आए हो? बस अपना सर हाथ मारेगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा, अल्लाह ताला देगा। क्या मजदूरी मिलेगी ना सर? कितने दिन हो गए आए? तकरीबन 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए, और लॉकडाउन में आप चले भी गए और आ भी गए। वाह। और फिर रोज़ाना कैसे गुजारा होता है, लोग कोई मदद कर देते हैं? बस कोई चौक पे कोई चावल शावल दे देता है सर। पैसों की बात, नकदी की बात करो, पे उसके नहीं, चावल चावल नहीं, मजदूरी बस अगर मिलता है तो फिर सर मिल जाता है 400-500। मजदूरी तो अब खुल गई है, लेकिन ये फिर भी लोग सारे बैठे हुए हैं मज़े में, जिसने काम करना है वो तो कर रहा है, किधर काम मिलेगा तो करेगा सर, हम किसी का लगता है किसी का नहीं लगता ना सर। ये किसी का काम लगता है किसी का नहीं लगता ना। कितनी दिहाड़ी आपकी? हमारी दिहाड़ी नहीं है, हम चौकीदारा करता था, अभी वो मालिक ने भी छुट्टी दे दी, अभी तो हम परेशान बैठा हुआ है, बच्चे भी। आपका इलाका कौन? हमारा इलाका जिला राजनपुर है। तो राजनपुर नहीं गए? राजनपुर वो रस्ते बंद है, कैसे जाते हैं, हम फैमिली इधर रखी हुई है किराए। क्या तरीका है, मांग तांग के गुजारा करते? मांग तांग के हम गुजारा नहीं करते, जो अल्लाह पाक नदी में रिज़्क लिखता है वही हम लेते हैं, बस अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। 3 भाई हैं इधर, काम भी करते हैं। क्या करते हैं वो? यही तो मजदूरी करते हैं। 2 भाई मेरे मजदूरी करते हैं, मैं चौकीदारा करता हूँ। आप बता रहे हो कि आजकल फारिग हो? हाँ, अभी तकरीबन। फिर कैसे गुजारा हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं। वो जो 2-4 रुपए इकट्ठे किए हुए थे वो भी खा गए हैं, अभी बच्चे काम करते हैं घरों में, वो उधर से राशन पानी भी लाते हैं और तनख्वाह भी लेते हैं। मेहनत कर रहे हो ना? हाँ, मेहनत कर रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। देखो दो तरह के लोग हैं, एक एक वो हैं जो आपकी तरह मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एक वो हैं जो प्रोफेशनल हैं, मांगते हैं। जी, ये तो उनका अपना हिसाब है ना हर किसी का। अभी जिनको एक मिसाल में जान नहीं मारनी पड़ती, आराम से मिल जाता है। कुछ लोग जान मारते हैं, वो कहते हैं अपना हक हलाल का कमाए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। कितनी तनख्वाह थी आपकी? मेरी 15,000 तनख्वाह थी। तो ये तो 2,000 रुपया रोज कमा लेते हैं। जी, हमें वो 15,000, 10,000 मिले वो काफी है आकीलाल का, अपनी जान। भीख नहीं मांगनी? भीख नहीं मांगनी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई जान। मैं गरीब हूँ, 2 पुत्र से ट्रक चलाउंदे से चंगे भले सा, जब देओ मर गए एक्सीडेंट होया, प्यो भी बुढ़ा, वे भी पेट च पानी पिया, कोई ये नहीं मदद कर सकता बेचारे गरीब दे पेट च। कहाँ रहते हो?
कहाँ रहते हो? इधर आओ, मतलब जोधा रोड से आ जगह की थाने किराए थे, आज किराए आ रहे थे, कल दर आता बुआ मारता राती बार पैर। आपने वो एहसास प्रोग्राम में नहीं अप्लाई किया? सानू पता ही देगा। किस चीज़ का नहीं पता? की करना की नहीं करना। किसी से पूछ लो। चलो पूछ लेंगे। पूछोगे तो पता चलेगा ना। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। कब से मांग रही हो? आ थोड़ा जो होगा, जो तो पहले तो साढ़ा कोई पेशा नहीं मंगना, पर मजबूरी तो कुछ पता ही ना जी, तो छाया भी बंदे का छड़ जाता है, भैन भरा तो भैन भरा, एक दिन दे देंगे दूसरे दिन मुँह तो मारनगे भैन भरा भी। आपके जो मोहल्ले में कोई हैं खाते पीते लोग हैं कि नहीं है? खाते पीते है भी या कोई नहीं भी, पर कौन देता है? कोई नहीं, किसी ने देता। उन लोगों में से हैं जो वाकई मुस्तहिक हो सकते हैं मुमकिना, जो वाकई इस ज़कात खैरात के भी मुस्तहिक हैं और उनको एहसास प्रोग्राम के बारे में इल्म नहीं, ऐसे लोगों के लिए जो मोहल्ला की कोई कमेटी है, वो जो काउंसलर नामी चीज़ होता है, वो बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो लोग हैं और ज़िलाई एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन काउंसिल की एडमिनिस्ट्रेशन, उनको चाहिए कि वो इस तरह के लोगों का ख्याल रखें और उनका धनिया डालना क्या करना उन लोगों का, मशीनरी जो सरकारी है और गैर सरकारी है। पंद्रह दफ़ा ट्राई किया, उन्होंने कहा जी आप इसके आयल नहीं हैं। मेरे पास क्या चीज़ है कि मैं इसके आयल नहीं हूँ? मैं टैक्सी चला रहा हूँ, मकान किराए का है, जगह भी मेरी नहीं है, तो मैं आयल नहीं हूँ, तो बाकी जो जरी ज़मीनों वाले जाते हैं वो आयल हैं। आपके जो उनके अपने फैमिली में से किसी और ने अप्लाई किया? वो नहीं किया, मेरी वालिद ने भी नहीं किया, वालदा ने भी नहीं किया। फिर ये कैसे हो सकता है सर? ये आपके सामने मैं अभी करता हूँ, फिर भी वो आगे फ़ौरन मैसेज आ जाते हैं आप इसके आयल नहीं हैं। आपने पूछा नहीं कि क्यों आयल नहीं सर? वो कुछ बताएं तो उनके दफ्तर वगैरह क्या करते हो आप? ये टैक्सी चलाता हूँ ना, इसीलिए तो आए हो सर आपके दफ्तर के पास। जाएं ना ताकि आपको पता चले। उधर जाएं सर, पुलिस वाले मार के कहते हैं आप नंबर आया तो ठीक है, नहीं तो जाएं वहाँ से। चलें ये भी आपकी बात। हाँ जी, क्या है जी? हम मजदूरी करता है। किधर? मजदूरी नहीं है बस, वापस जाएगा। किधर? उधर घर। उधर क्या घर? बनारस। घर कहाँ? बनू स्टाफ। बनी स्टाफ। हाँ जी। तो आजकल जब आपको बताया कि मजदूरी नहीं है, फिर क्या करने आए हो? बस कुछ भी नहीं करेगा। लोग कोई मदद इमदाद कर देते हैं? नहीं 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 करते, कुछ भी नहीं करते। चौकों चौराहों में नहीं आप बैठे हुए? नहीं। कहाँ से आए हो आप? इधर चौक में बैठे हैं। तो चौक में तो लोग आके पैसे दे के जाते हैं। किधर पैसे में मुझको कौन कौन देगा? कोई आदमी नहीं है इधर। खाने को देते हैं लोग? हाँ जी, खाने को तो दे जाते हैं लोग। खानों के किधर जाते लोग? देते हैं? नहीं देते। नहीं देते। कभी आप बैठे हो वहाँ पे? कुछ भी नहीं देते। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों जा रहे थे? उर्दू नहीं समझ गया। अफगानी? अफगानी भी पुख्तो समझ गया। अफगानी है ना? नहीं पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी? पाकिस्तानी है। हाँ। तुमने शनाख्ती कार्ड बना के दिया उसको? यारा मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं है। उसका शनाख्ती है? उसका शनाख्ती कार्ड है। उसके साथ शनाख्ती कार्ड है? हाँ है। अफगानी शनाख्ती कार्ड? पाकिस्तानी? पाकिस्तानी। कौन से इलाके से? मोमंद। मोमंद में क्या उर्दू नहीं समझते? यार नहीं समझते यार। और जाने दे, कितना अर्सा हो गया इधर आए हुए? दो साल हो गए थे। दो साल हो गए और तुम्हें उर्दू नहीं आती? यार कभी महीना, कभी दस दिन, कभी पंद्रह। करते क्या हो इधर? बस मजदूरी के लिए खुदाई का काम करते। हाँ बस इधर बैठ है। काम किधर है यार? काम नहीं है। तो जब काम नहीं है तो फिर इधर क्यों बैठे यार? बस क्या, हम मजबूरी है यार। क्या मजबूरी है यार? गांव से आटा नहीं है, रोटी नहीं मिलते है। गरीबी है यार। गरीबी है ना, तो फिर गांव क्यों नहीं गए जी? गांव में क्यों नहीं गए? यार कैसा जाएगा यार, पैसा नहीं है कि घर में क्या करते? घर में क्या करते हैं? इधर पैसे कैसे आते हैं? रोजाना क्या खाते हो? अरे बस कभी कभी दिहाड़ी लगता है, कभी नहीं मिलते। तुम इसको हिदायतकारी कर रहे हो? चलो आप बताओ। नहीं हमको नहीं आते है सर जी। आपको नहीं आती यार? क्या नहीं आती? थोड़ा थोड़ा आया दे। उर्दू? उर्दू आती है तुम्हें? बहुत अच्छी आती है। नहीं आती यार, थोड़ा थोड़ा। कैसे गुजारा करते हो रोजाना? यार रोज रोज तो नहीं मिलते, कभी कभी मिलते हैं तो बस गुजारा करते। नहीं जब था ही लॉकडाउन,
तो लॉकडाउन था ना, बंद था सारा कुछ, बंद था ना, तो फिर तुम इधर गुजारा कैसे कर रहे थे? कैसे यार, पुलिस ने हमने इजाज़त दी है कि 12 बजे तक इधर बैठ, तो फिर ना बैठ, फिर जाओ डेरे में। अच्छा हाँ, तो फिर ये लोग दे जाते हैं, हुकूमत इमदाद कर देते हैं? यार नहीं करते। क्या करते हो इधर? बस इधर मजदूरी कर रहे, काम नहीं मिला था हमारा, 10 दिन हो गया, हमने 3,000 नहीं कमाया, क्या होते क्या नहीं आते यार। तो क्यों इधर बैठे हुए? बस क्या करने, हम हो काम का इरादा है, हम कह रहा है अभी काम आया, अभी काम आया, काम भी नहीं आया। जब काम ही बंद था तो आना किधर से था? जब काम ही बंद था तो आना किधर से था? तो फिर देने, लोग देने का कहना, फिर काम उसके काम के बाद बन जाएगा। कौन से इलाके से? हम मुमान एजेंसी का। वापस क्यों नहीं गए? वापस वो मजबूरी की वजह से नहीं गया ना। क्या मजबूरी? बस काम नहीं मिला, पैसा नहीं हमारा, उधर क्या करते हैं, उधर घर में आटा मठा नहीं है, चीनी मीना नहीं है, क्या है उधर? घर तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह घर है, लेकिन कुछ है नहीं है, कुछ है नहीं उधर खर्चा। तो यहाँ गुजारा, यहाँ कैसे गुजारा करते हो? बस हम ये कह रहे हो कोई लोग मंगाएगा बस काम के लिए, बस हम काम किस जाएगा फिर काम के लिए। रोज़ाना कैसे गुजारा करते हो ये बताओ? रोज़ाना बस कभी 200 का काम हो गया, कभी 300 हो गया, कभी 3 दिन छुट्टी भी हो गया, बस गुजारा चल, अल्लाह देने वाले, बस अल्लाह तो देने वाला। ये नई बात ना बताओ मुझे, यहाँ से जो गुजरते हैं वो मदद इमदाद करते हैं? नहीं, तकरीबन हमारा 10 दिन हो गए, सिर्फ 500 रुपये दिया बस। क्या कर रहे हो? देखो क्या करेगा, ये करेगा उच्च हमारा ये गिनती बिलची है साहब जी, वो सुबह से बैठ कर नमाज की आ जाएगा, उधर बैठो 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 शाम तक बैठेगा, फिर मस्जिद में जाएगा। इमरान खान को क्या पता ये मजदूर लोग के क्या हालात है? यहाँ ये बात बताओ कि जब आपको पता कि सारा काम बंद है, वल्लाह ची सारा काम बंद है, बंद है, तो फिर इधर क्यों बैठे हो? नुये से छोटा छोटा बच्चे यार रिज़्क बैठने का बैठा हुआ। नहीं, मैं ये बात जो मैं पूछ रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ कि मजदूरी नहीं है, बंद है काम, इधर क्यों बैठे हो? इधर यह बैठा हुआ रास्ता बस्ता अभी बंद है, पेशावर मुड़ जाएगा, जाने का रास्ता अभी बंद है ना। हम ये सोच करते थे क्या सज जाएगा, पैसा वैसा नहीं है, मजदूरी भी नहीं है ना। कैसे खाना कैसे खाते हो? खाना वाला की कभी ये चौक में या चावल मावल आते है वो खाते, फिर मैं इसमें गुजारा करेगा। तो कोई आते जाते कोई मदद इमदाद भी कर देता है? कोई भी नहीं है, क्या कौन इमदाद किया, मैं जानते पहचाने वाला तो नहीं है, जाने पहचाने वाला तो नहीं है, क्या अगर तुम्हें जला पिरा करेगा वो तो नहीं मांगेगा। अच्छा, वो जो एहसास प्रोग्राम है उसमें अप्लाई किया था? हाँ, ये भी ख़त्म हो गया साथ भी बस। हाँ, अप्लाई किया था कि नहीं? दिए थे, नहीं दिए थे, पहले तो बेनज़ीर का पैसा है, वो भी बंद किया था, वो क्या वो पासपोर्ट में बनाया, पासपोर्ट में सारा दुनिया भी बनाया। हाँ, पासपोर्ट में क्या हो? नहीं, मैं जो बात पूछ रहा हूँ ना, इधर उधर की ना कहानी सुनाओ मुझे, ये बात बताओ कि आपने अप्लाई किया था वहाँ, दरख्वास्त दी थी? ना, दरख्वास्त किया सो तो वही। तो फिर मोबाइल है तुम्हारे पास? हाँ। किधर है दिखाओ? हमारा ये अल्लाह दे गया। हाँ, तो ये पैसे आपने वो मोबाइल पे SMS करते ना उसको एहसास प्रोग्राम में? किसी से पूछ किया था? खुद नहीं आया, वो कहते हैं नहीं आया है, नहीं आया है। अच्छा चलें ठीक है। सिर्फ ये G-13/4 का ये जो पुल है इसके बाहर बैठे हुए हैं, या ये G-13/1 का है, और ये वाली तादाद तो अभी कम है, और बेशुमार लोग बैठे हुए हैं रास्तों में और इसी आश में बैठे हुए हैं, अपने घरों को भी नहीं जा रहे और यहाँ पे भी मौजूद हैं, और अगर मजदूरी नहीं तो ये गए क्यों नहीं? ये पनाहगाहें किसके लिए हैं भला? ये जो एहसास प्रोग्राम है ये किसके लिए हैं? ये ढेर सारे लोग जो हैं, ये सारी की सारी दोनों में से कोई एक सूरत है, या इनके पार्ट पे ख़राबी है या सरकार के पार्ट पे ख़राबी है, और इसको रफ़ा करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और सरकार का काम है। आइए चलते हैं और भी देखते हैं। तो
सर जी ये कितना सारा मजदूर है, मैं खुद भी मजदूर है चाऊ का, ये 12-12 हज़ार रुपये एक अभी नहीं मिलेगा मेरे पास। आज एक बंदा है, इसका प्लाट भी है, मोटरसाइकिल भी है, गाड़ी भी है, इसका 12 हज़ार में से जाता है। 20-25 बंदे हैं, मैं खुद भी मजदूर है, वजीरिस्तान का रहने वाला है, उधर रास्ते बांध दे। आप लोग बोलना चाहिए इधर किया बैठा है, उधर मेरे पास इतना पैसे नहीं चाहिए, मैं उधर जाता है, क्या मैं उधर जाता है, उधर भी मैं गरीब है, इधर एहसास प्रोग्राम में अप्लाई किया है कि नहीं अप्लाई किया है? बोलना है जान पर हड़ताल है सब मजदूर के। क्या कहते हैं? जांच पड़ताल है। अभी जांच पड़ताल हो रही है कि आप इसका हक रखते हो कि नहीं रखते 12 हज़ार? नहीं सर, बोलना चाहिए मेरा हक किस नहीं है, मैं मजदूर है, किया गवा फिर दे देगा, नदर भी जाता है तो मिल जाएगा ना, जब वो कह रहे हैं कि जांच पड़ताल हो रही है तो फिर आपको मिलेंगे। नहीं हो रही, इस तरह मजदूर भी है, इस तरह बोलना चाहिए, आपका हक भी नहीं है, 20-25 मजदूर है, एक कभी नहीं आता है, मैं ही वजह से नाराज है पाकिस्तान से, चाहे गरीब लोग बड़ा बड़ा बात करना है, चाहे राशन दिया है, सामान दिया है। अच्छा ये बताओ कि फिर आप ये भीख क्यों नहीं मांगते? किसका? उधर मार्केटों में और लोग मजदूर लोग इसके कुछ चाचा को बिक नहीं मानता है। मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं मांगते? नहीं नहीं शहर में जवान बंद है क्या मांगता है, मैं खुद मजदूरी करना है मिलता है क्या मैं बिक मानता है? तो चलो तुम तो जवान आदमी हो, ये तो आज साहब का सफेद पठान से कोई मांगता वाला नहीं है, ये भी काम करना है, काम के लिए आता है। सिर्फ मैं बोलना चाहिए टीवी पे बड़ा बड़ा बात करना है, मैं मदद करना है, गरीब लोग से इधर चौक पे एक रुपये नहीं मिलेगा, नरेशान मिलेगा, ये वजह से मैं नाराज है, बड़ा बड़ा इमदाद आता है, नाराज है इमरान खान से नाराज है। वो क्या करे? एक ये करे गरीब लोग से मदद करना है, किया मदद आता है, खुद कहता है लोग बड़ा बड़ा लोग अफसर पे, गरीब लोग से एक भी रुपये भी नहीं मिलेगा, मैं गवाए इसका खा के चौक का मजदूर का खा के, इस दिहाड़ी नहीं करना है, किया चीज़ कहता है, आखिर लोग इस तरह मजबूर होते हैं फिर इधर चोरी कर रहे हैं, मजबूरी से फिर चोरी करनी पड़ती है, ये लोग इस तरह भी होता है, फिर ये जो चोरी डाके हैं इस इन सेक्टरों में फिर लोग मजबूरी से फिर होता है, होता नहीं करना नहीं है, कोई इस तरह हालात भी आता है, तुम किसे करनी पड़ता है उनको डाके मारने पड़ते हैं, फिर इस तरह होता है। उसका तरीका क्या है कि मैं इस तरह तरीका करना है, गरीब लोग से मदद करना है, चौक से निकालो बीमारी लगेगा, मैं भी पता है शाक नहीं है, बीमारी बड़ा बीमारी है, खतरनाक है, कोई इसके मदद करो, एक लोग बोलना है गाँव क्यों नहीं जाता है, एक बंदा इस तरह नहीं बोलना है कुछ दे दो मैं जाना है, एक भी इस तरह जवाब, एक पुलिस वाला मैं तंग करना है क्यों नहीं जाना है, मैं बोलना है कुछ दे दो मैं जाना है, फिर भागना है पुलिस वाला, पुलिस वाला कहाँ से देगा, वो कहीं से नहीं है, कोई इस तरह नहीं बोलना है, खान साहब जाओ कुछ दे दो मैं जाना है, बस बात खत्म है। यानी पुलिस वाला या जो भी आपको कहेगा कि आप चले जाओ तो आप उससे कहोगे कि भाई पहले पैसे दो मुझे, कुछ दे दो मैं जाना है बस। यहाँ मैं देखता हूँ हर गाड़ी वाला नहीं तो बहुत सारी गाड़ी वाले रोक के लोगों को पैसे भी देते हैं, खाना भी देते हैं। चावल मिलेगा और कुछ नहीं मिलता है, चावल भी किया करना है, चावल को घर नहीं चलाती है, बंदे का सिंगरेट लगेगा, नसवार लगेगा, मोबाइल का खर्चा है, घर का खर्चा है, इधर धीरे का खर्चा है, 5-5 हज़ार कमरा लेता है, चावल को सारा निज़ाम नहीं चलता है सर। यानी चावल जो लोग खैरात कर रहे हैं इसका मतलब है वो आप लोगों को वो चावल भी ना दें, उनके रास्ते हराम रास्ते जा रहे हैं वो चावल। हाँ और जगह पे पुलिस भगा दिया चीज़ नहीं दे देगा। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ आइंदा इसका मतलब है वो चावल वाले भी आप लोगों को चावल ना दें? नहीं नहीं चावल दे देगा, चावल मिलेगा। क्यों चावल क्यों दें आपको? अभी तो आप कह रहे हो कि नहीं नहीं चावल से कैसे गुजारा, पके चावल मिलेगा, एक पूरी मिलेगा, बस एक टाइम गुजरता है, एक पूरी पूरा महीना नहीं चलता है पीछे। अच्छा, नसवार भी को देखे जाता है कि नहीं फ्री में? नहीं नहीं नसवार क्यों दे देगा फ्री, डाली भी है ना नसवार? हाँ डाली भी है। कहाँ से लिए? या दुकान से। कैसे तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है खाने के, पैसे नहीं है, मजदूरी नहीं है। हाँ इतना को मिलेगा वो, या सर तो नहीं है। हाँ समझ आ रहा था के पास 10 रुपए हुए। अच्छा हर बंदे के पास 10 रुपए हैं, नसवार लेने के पैसे हैं और नहीं है, और नहीं घर का बच्चे का नहीं है। क्यों वहाँ से निकले हो हमें देख के? तो हम जा रहे हैं घर, जा रहे हैं घर तो नहीं जा रहे, आप हमें कि कैमरा देख के आप वहाँ से उठे हो, आप भी और आपके साथी भी। कैमरा देख के हम नहीं उठे हैं, हमको कैमरा देख के इस उम्र में झूठ बोलते कोई अच्छे नहीं लग रहे आप। अच्छा चलो ये बताओ ना, झूठ क्यों बोले हम? अच्छा ये बताओ ना क्या कर रहे थे? इधर आए थे, काम था इधर। किधर? चौक में। क्या काम? कोई अपने काम होते हैं घर, वही पूछ रहा हूँ ना क्या काम है। थोड़े काम होते हैं घर के काम, कोई ये काम बताओ तो सही ना जिस काम से आए थे। ये काम था, ये दौड़ हमारा काम था, हम आए हैं लोग काम था, आए थे काम नहीं पता, काम है काम, इधर आए थे क्या काम आए थे यही तो पूछ रहा हूँ। ये काम अपना घर का काम होता है ना, घर के कई काम होते हैं लोग। अच्छा सारे काम जो घर के कई काम थे वो यहाँ ग्रीन एरिया में बैठ के। अच्छा चलो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे ये बताओ
कि यहाँ से गुजरते हुए लोग मदद इमदाद कर देते हैं? कोई नहीं करता है। जोर से बोलो ना। नहीं इतने करते हैं, किलो करते हैं। इतने नहीं करते लेकिन कुछ तो करते हैं। इतना कुछ करते हैं ना, इतने नहीं करते। कितने बन जाते हैं अंदाज़? मुझे नहीं पता है, हम कभी आए नहीं, हम तब आज आए हैं ना। आज आए हो पहली दफा? और आपके साथ वो जो था वो दूसरा लंबे से कद वाला, वो भी आज पहली दफा? वो भी पहली दफा। आपको पता चला कि यहाँ पे ज़रा लोग गुजर के कुछ मदद इमदाद करते हैं तो इसलिए आप आ गए, है ना? क्या कर रहे हो, डबल सवारी पे पाबंदी है, आपने तो ट्रेल लगाई हुई है। भाई जी मजबूरी है। क्या मजबूरी? मजबूरी है को मतलब ये कि पाबंदी लगे, अगली मजदूरी किया वो निकले नहीं, अभी गांव से आ गया वो क्या नाम है अपना दूसरा ठेकेदार, उरी घर पे बैठे तो टिक्सी कर नहीं सक रहे। ठीक हो गया। क्या करते हो? मजदूरी कर रहे सर जी। वो मजदूरी का कोई नाम भी होगा ना? कंक्रीट ना काम करने सर। यहाँ तो जो खरबों रुपए कमाता है वो भी कहता है जी मैं तो मजदूरी करता हूँ जी, दाल रोटी खाता हूँ। वो भी सर उसको भी मजबूरी होगा ना। अच्छा, उसको भी मजबूरी होगा। क्या करते हो आप? मैं कंक्रीट ना काम कर रहे सर। ये बच्चे भी? ये बच्चा भी साथ लगे। आपके बेटे हैं? नहीं, भतीजा है। भतीजे हैं जी। इतने पैसे कमाते? काम है ही नहीं, जो काम किया उसको पीछे फिरने, वो ठेकेदार उरी बेटे कहना मैं सरगोदी बिच उधर, मतलब ये कि बची उसको भी मतलब रोज़ा आ गया, उनको भी आटा वगैरह लाने का पड़ेगा, इंतज़ार कर रहे हैं वो खुद आ जाएगा, टेंशन ख़त्म हो जाएगा, मतलब यह कि बीमारी वगैरह तो चलो आसराय को मतलब यह कि कुछ ना कुछ आ जाएगा हाथ पे। हैं अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है, ये जो आपका तामीराती काम है, जो आपका बिजनेस है, इसमें झूठ क्यों बोलते हैं लोग? मसलन अभी आपने ठेकेदार को कहा है ना, तो उसने कोई बहाना लगाया होगा। कैसा मतलब समझ नहीं आ रहा है? मतलब ये जो काम है ना बिजनेस, मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, इसके मुख्तलिफ काम, इसमें ठेकेदार भी जुड़ बोलता है, मिस्त्री मजदूर भी, बाकी भी, कभी इत्तफाक हुआ कि नहीं? भाई जैसे क्या बोल सकते हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं अल्लाह पाक सबको हिदायत करेगा, हिदायत करे। झूठ से बचो, सच पे सीधा रोड, रिटर्न से बच, बाकी बंदा क्या बोल सकते हैं। हेलमेट शेलमेट नहीं लिया? हेलमेट जी सुबह बारिश के इनकाम था, हमने बोला कि हेलमेट पे बारिश लगेगा मतलब ये कि 1300 होते वो भी पड़ जाएगा। अच्छा, हमने ये समझा। अच्छा, आपने ये ना मुंह पे कुछ मास्क चढ़ाया है, ना हाथों पे कोई ग्लव्स चढ़ाए हैं? नहीं ज़रूरत सर, ज़रूरत है लेकिन अभी ये पठान जो है ना, मतलब ये कि थोड़े जिन सवार डालते रहते ना, ये हाथ में पड़े, ये अभी डालते, लेकिन ये थोड़े जिधर पानी पी है तो नसवार डाले, इंशाल्लाह अभी रखते। नुस्वार से ये मर जाती है बाबा? हैं, जरासीम मर जाते हैं नुस्वार से? बस सर, मतलब ये कि लोगों को वैसे आदत पड़ जाती है, चलो इंतज़ार जो करते नुस्वार डालते गुजारा हो जाते। गुजारा हो जाते। क्या नाम है आप? अहमद जान नाम है, लोग दीवाना बोलते वैसे इधर ये चौक में। सिर्फ इस चौक में दीवाना बोलते? नहीं, मतलब मशहूर है तो अरब समझो, तखल्लुस समझो, लग दीवाना। अच्छा, चलो दीवाना साहब, शादी हुई है? शादी हुई है, शुक्र अल्लाह। बच्चे कितने? ये 4 बच्ची हैं, एक बच्चा है। कितने बड़े? ये बच्ची तकरीबन है 7-8 साल का, बच्चा तकरीबन 4-5 साल का है। बेगम भी दीवाना कहती है? बस उसको मैं दीवाने बोलता हूँ, मुझे दीवाना कहते हैं। अच्छा, वाह जी वाह, क्या बात है। ये क्या लगाया? ये फ्रूट मैंने लगाया, ये भतीजे हमारा उसके लिए भी स्ट्रॉबेरी लगाए हुए हैं रेड़े पे। अच्छा, अपना मैं तो बैठे हुए, आप इधर हो? हम मैं खुद इधर ही होते हूँ बस, ये कुर्सी है, हम इधर। अच्छा, गुजारा हो जाता है? बस गुजारा हो जाता है, कोशिश करते हैं अपने हाथों। कितने पैसे कमाते हो? यार हो जाते हैं, कभी कभी 1000 भी बच जाता है, कभी 1000 जेब से लगाना पड़ता है, लेकिन बस लगे हुए हैं लोग, बस लोग बंद घरों में आते हैं, जो कुछ खाने को मिलते हैं, जो हमारे पास होते हैं, जो ले जाते हैं वापस। एक बात बताओ मुझे। अच्छा, आप दीवाना तो सिर्फ नाम ही है ना, आप समझदार आदमी हो जी, मेहनत तो मजदूरी कर रहे हो? मजदूरी कर रहे हैं। ये आपके सामने लोग बैठे हुए होते हैं? अच्छा, लोग इनको गाड़ियाँ रोक रोक के पैसे भी दे के जाते हैं? अच्छा, असल बेवकूफ़ मैं उसको बोलते हैं ना, जो इधर ब्रेक मारते हैं किसी की मदद के लिए। अगर आप भाई साहब आपने मदद ही खामा खा कर रहे हैं ना, तो बंदे को ले जाओ किधर सेड पे, उसको एक आजमाओ कि वाकई मजबूर है, एक कम में के किस्म का आर बार बाजे को वो कहानी हमने सुने ना, बहुत सारे सूदिया में एक बंदा था, पहले उसको ले के गया घर में, उसको बोला बाथरूम साफ करना है, सारे लोगों ने बोला हमने बाथरूम नहीं साफ करना है, एक बंदा था जो काम वाला था, उसने बोला मैं साफ करेगा, उसको ज़कात का पैसे दिया था, काफ़ी सारा हुआ हमारे गाँव में,
उधर वो है, उसको काफ़ी सारा पैसा दिया हुआ है। जो काम वाले हैं मतलब बंदे को आजमाओ पहला, उसके बाद ये इसको इस तरह अगर आपने मदद करना है तो आप खुफिया तरीके से करो, अल्लाह भी खुश सारा खुश। और ये मतलब यहाँ पे इतने ढेरों ढेर बैठे हुए हैं, जब इनको पता है कि कोई मजदूरी नहीं मिलनी तो क्यों बैठे हुए हैं ये साहब? ये उन लोगों की वजह से, अगर वो कोई इधर कुछ देता नहीं कि ना अपना काम चला, वो इस तरह तरीके से देता ना तो ना ये हजूम होता, ना ये लोग फिर उसके पीछे भागते फिरते। अपना जो काम होते हैं सब बनने का काम है, हर मतलब कर सकते हैं, ये नहीं कि कुछ ना बोले। आप क्यों नहीं मांगते, आप क्यों नहीं वहाँ? यार साहब साफ बात बता देना, ये तो सच्ची बात प्रोग्राम है, सच सच्ची बात बताएगा। अगर हमारे सामने कोई आया और ये लोगों को दे रहे तो हम भी जाएगा, हम भी लेगा, क्योंकि हम भी गरीब है, ज़रूरत है पैसा का, किसको ज़रूरत नहीं होता है। चावल देने आते हैं, चावल भी लेते हैं, बकाया लगाए रहते हैं इधर, वो इस तरह मतलब मेहनत मजदूरी भी, हाँ उसकी गरज से नहीं बैठे कि मतलब कुछ आवे हमारे साथ मतलब मदद। ये तो सिर्फ उस्ताद आजकल अच्छा बात, दरअसल ये नारक बंदे का मजबूरी है, लोग तो है दूसरे तरफ से दावे हो रहे हैं, सास प्रोग्राम मैंने खुद किया हुआ है, बस यही हो रहा है, जाँच पड़ताल हो रहा है। बकाया जाँच पड़ताल हम किससे करें? हम जिसके पास गए थे लिखाए थे, जिसने हमारा लिखा था ना, हम वो हमको मिल ही नहीं रहे, पता नहीं किधर जिधर लिखे थे उधर तो उसका पता ही नहीं है, बाकी किधर से लिखे थे कौन थे? खुद पढ़े लिखे नहीं हूँ मैं, तकरीबन 8वीं जमात तक पढ़ा लिखा हूँ। तो यार वो उसका नंबर तो आप 8171 वो मैं करते वो मतलब वो करते जाँच पड़ताल का, बोरे बकाया हमको उसका नंबर नहीं है, मतलब जो नंबर होते हैं वो पे करें। के पी के में हमारे अपनों का भी हुए, उधर हुआ है, इधर हम हाँ वो हुआ है, हम हमारा भी हम उस उम्मीद से यार हो जाएगा या नहीं होगा, मगर हमने के भी किसी से ये उम्मीद नहीं कि हम अल्लाह तआला अल्लाह की तरफ से उम्मीद करते कि अभी, लेकिन मेहनत मजदूरी जारी रखेगा जी। हम और जो लोग यहाँ रुक रुक के इनको देते हैं उनको अपने मोहल्लों में गली में अपने अजीज हर बंदे को देना चाहिए। आप हर बंदे को पता है कि मेरे इलाके में हर बंदे को मैं मतलब अगर ये प्रोग्राम पूरा पाकिस्तान में सबको मखाते हुए कि हर बंदे को पता है कि इधर गरीब गुरबत है, अगर किसी को नहीं पता मेरे पास आवे सबको दिखाएगा। ये मैं इधर इस्लामाबाद चौक में घर में फिरेगा, जिसको ज़रूरत है ना हमको पता है ना, जिसको ज़रूरत है ज़रूरतमंद को देना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है अगर इधर आवे इधर मदद करना चाहे तो मतलब इधर बात करके काम के जरिए उसको आजमा के कि वाकई ज़रूरतमंद है या नहीं है। तो इधर तो मतलब 4-5-10-12 तो मैं जानते हैं कि मौली किस्म के मतलब ये पैसों से हो या तो मोबाइल लेगा, अच्छा हाँ या घर में नहीं देगा या नशा करेगा अस्सलाम वालेकुम। क्यों चले गए? बस वो भाग गया खाना। क्यों? बस ऐसे भाग गया। इधर क्यों बैठे हो? बस मजदूरी के लिए बैठे सर। कौन सी मजदूरी? जो भी मिलते करते सर। जब काम बंद है तो इधर कौन सी मजदूरी है? इधर सब कुछ आती है, खुदाई का काम आती है, लंटर का काम आती है, और काम आती है, मजदूरी के लिए बैठे है, मजबूरी है, काम नहीं मिलते सारा। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे लोग तो आपकी तरह मेहनत मजदूरी के लिए भी बैठे हुए हैं। अच्छा तो कई तो ऐसे बैठे हुए हैं जो उनको लोग यहाँ इधर मैं देखता हूँ भीख मांगने के लिए बैठे हुए होते हैं। नहीं ये मांगने के लिए सर नहीं है, इधर मजदूरी के लिए, इधर मस्जिद के लिए नहीं आया। हम पठानों का मानते नहीं है। खड़े होकर बात करना। हम क्या करने हैं, उर्दू नहीं आती सर। अच्छा आप क्या कह रहे हो कि आप मांगते नहीं हो? नहीं मांगते। हमने तो वहाँ कई देखे हैं जो मांग रहे थे और पठान भी थे वो। कसम से हम मानते नहीं, हम मजदूर बन। नहीं आप नहीं ना मांगते, आप बाकियों की कैसे गारंटी दे सकते? क्या उसको पता नहीं, बाकियों की गारंटी दे सकते? नहीं गारंटी आप नहीं सरते। अच्छा ये जो लोग यहाँ देखे जाते हैं मदद इमदाद करते हैं, खाना वगैरह देखे जाते हैं, खाया कभी? क्या जो लोग इधर खाना देके जाते हैं चावल वगैरह, आवाज क्या दिया? खाया? हां खाया खाया। किस मुंह से खाया? इसी मुंह से, इसी मुंह से खाया। अच्छा पैसे भी देके जाते हैं? पैसा ही नहीं देने यार, हम वो सफेद वाले दाढ़ी से देगा, हम नहीं देगा। जवान सिर्फ लोगों को लोग उनको देते हैं जिनके सफेद दाढ़ी हो, जवान को नहीं देते? जवान की नहीं दे। तो फिर इसका मतलब बिजनेस तो फिर जो सफेद दाढ़ी वाले कर रहे हैं, सफेद बालों वाले, सफेद वाले दाढ़ी कर रहे हैं, सफेद वाले दाढ़ी कर रहे हैं। क्या करते हैं अंकल जी? झूठ बात है, हम मजदूरी के लिए आए इधर बैठे हैं। अभी तो वो बड़ा बड़ा लोग नहीं है, ये झूठ बोल रहा है? क्या झूठ बोलते हैं? मांगने के लिए नहीं। ये क्या कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो? हम सर जी हमको पता नहीं है, उधर बैठे हैं हम मानती वाले बैठे हैं ना, हम चौक से बैठे हैं, हम मजदूरी कर ले। कितनी देर तक इधर बैठे रहते हो? जो मांग रहे हैं वो वाशाले में बैठ रहा
कितना किधर बैठे? अशारे में बैठ रहा है जो मांग रहा है। हम लोग मजदूरी के लिए इधर बैठा हुआ है, जो भिखारी है जो बेकार है वो अशारे में बैठा है, सिग्नल पे, सिग्नल में बैठा हुआ है। इधर नहीं बैठते? नहीं इधर नहीं बैठा, इधर खुदाई वाला बैठा है। इधर मैंने कई दफा देखा है, उस तरफ जाते हुए मैंने देखा है, कई लोग बैठे हुए होते हैं पर वो लोग मांग रहा खड़ा है। ठीक है, हम इधर बैठे मजदूरी के लिए बैठा है, तुम पैसे लेके आएंगे तुम पकड़ते, हम फेंकना नहीं है नीचे जेब में रखना है, लेकिन हम किसी को बोला नहीं है यार थोड़ा पैसा दे दो वो करो ये करो। आप किसी से मांगते नहीं हो? नहीं, हम किसी अगर कोई दे जाए तो उसकी मेहरबानी। हाँ उनको मेहरबानी, हाँ वो हम जेब में रखना है, फेंकना नहीं है, लेकिन किससे मांग रहा नहीं है। जा रही हो? किधर जा रही हो? भीख नहीं मांगते? लानत भेजता हूँ भीख मांगने वाले। दिन में कितने आ जाते हैं आपके पास भिखारी? भिखारी आने तकरीबन 50-60। जब आप नहीं देते तब उनका क्या रवैया होता है? वो बस क्या बतवाएं देते हैं और क्या करते हैं। जॉब दे मार गया, एक्सीडेंट हो गया, कभी 200 का काम हो गया, कभी 300 हो गया, कभी 3 दिन छुट्टी भी हो गया, बस गुजारा चला ना देने वाले। बेगम भी दीवाना कहते? बस उसको मैं दीवाने बोलता हूँ, मुझे दीवाना कहते। अच्छा वाह जी। रोज़ न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रह सकें।